पार्टी में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय श्री केपी सिंह यादव जी, डाइट प्राचार्य काबा, यहाँ उपस्थित डॉक्टर श्री जयवीर जी, डॉक्टर सुरेश जी, डाइट प्रवक्ता, इस कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप पांडे जी, यहाँ उपस्थित बीटीसी और बीएड विभाग के एचओडी आदरणीय श्री श्रीवास्तव जी, और यहाँ उपस्थित इस कॉलेज के सभी चरित्रवान बुद्धिजीवी धैर्यवान मेरे शिक्षक साथी, भविष्य के शिक्षक और इस कॉलेज के लिए छात्र, ऐसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा, और यहाँ आसपास से आए हुए सभी सम्मानित जन और मेरे सभी साथी, सबसे पहले तो मैं इस कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप पांडे जी को और इस विभाग के एचओडी श्री नितिन श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, और सही मायनों में देखा जाए मैं मन से कहना चाहता हूं ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था, लेकिन सर डॉक्टर केपी सिंह यादव जी की मौजूदगी ने और डॉक्टर जयवीर जी, डॉक्टर सुरेश जी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को शानदार बना दिया, और मैं उन्होंने जो भी ये समय दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आज ये डीएलएड और बीएड की बात है, तो निश्चित तौर से जब आप लोग यहां से पढ़ के जाएंगे तो आप एक शिक्षक बनेंगे और आप शिक्षा देने का कार्य करेंगे, तो बिना शिक्षा के शायद अगर मैं यहां से चला गया, बिना शिक्षा की बात की अगर मैं यहां से चला गया तो ये गलत है। जैसा कि मैं बहुत पहले से ही कहता था कि कोई भी देश कैसा होगा जो उसकी शिक्षा प्रणाली और उसके शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है, ये मैंने पहले भी बोला था और मैं बार बार ये तब तक बोलूंगा जब तक आप लोग यहां हमारे स्टूडेंट हैं, और इस कॉलेज के बाहर भी आप निकल जाएंगे तब भी, जब भी आप मिलेंगे तब भी मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि कोई भी देश का विकास उसकी शिक्षा प्रणाली और उसके शिक्षक पर निर्भर करता है। निश्चित तौर से जब आप लोग इस संस्था से एक अच्छे शिक्षक बन के निकलेंगे तो मैं मानता हूं कि आप एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे, क्योंकि शिक्षक मात्र एक शिक्षक नहीं होता, एक राष्ट्र का निर्माता भी होता है। जब आप लोग यहां से पास होके जाएंगे, निश्चित तौर से मैं मान के चलता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सफल हों, और जिस उद्देश्य के साथ आप लोग ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि आपको सरकारी जॉब प्राप्त हो सके, एक आप अच्छे शिक्षक बन सके, निश्चित रूप से आपका यह सपना पूरा हो। तो मैं चाहता हूं यदि आप ये ना सोचें कि आपकी नौकरी लग जाए और आप कुछ पैसे कमाने लग जाएं तो आपका शायद ये सपना पूरा हो जाए, मैं ये चाहता हूं कि आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाई करें कि आप एक अच्छे शिक्षक बन सकें, और मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन आप एक अच्छे शिक्षक बन गए तो आपका जो भी सपना था आपको तय मान के चलिए नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आप इस समाज का निर्माण भी करेंगे। मैं यहां उपस्थित जो भी हमारे कॉलेज के शिक्षक हैं, जो भी मेरे ये छात्र छात्रा हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस दिन आप सफल हों, जिस दिन आपके हाथों में चौक हो, जिस दिन आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने का कार्य कर रहे हो, मैं अपने इस ग्रुप के सभी शिक्षकों से भी कहना चाहता हूं जिस दिन आप पढ़ाने का कार्य कर रहे हो कभी अपने आप को शिक्षक मत मानना, जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने का कार्य कर रहे हो तो आप अपने आप को मात्र शिक्षक मत मानना, आप ये मानना कि आप इस देश के शिल्पकार हैं और आप जैसा इस देश को ढालेंगे वैसा ये देश बनकर तैयार होगा।
आज अगर बात करी जाए, मैं इस चीज का विचार विमर्श बहुत पहले से करता था कि परमपिता परमेश्वर ने हम सबको यहां जन्म दिया है। निश्चित रूप से इस सृष्टि का रचयिता भी परमपिता परमेश्वर है और हम लोगों को जन्म देने का कार्य भी परमपिता परमेश्वर के द्वारा किया गया। लेकिन यह बात भी उतनी सत्य है, ये बात भी उतनी सत्य है कि यदि हमको परमपिता परमेश्वर ने जन्म दिया है तो इंसान बनाने का कार्य शिक्षक ने और शिक्षा ने किया। यदि शिक्षक और शिक्षा नहीं है तो हम लोग मात्र एक जानवर हैं और कोई अंतर नहीं है हम लोगों में और जानवर में। आपने कभी यह विचार किया है कि इस सृष्टि पे कम से कम, जैसा कि मैंने सुना है, 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां इस सृष्टि पर, लेकिन इंसान को सर्वोपरि माना गया। क्यों माना गया? कभी आपने इस चीज पर विचार किया है कि इंसान को सर्वोपरि क्यों माना गया? जैसा मेरा मानना है, मैं अपने मन की राय बताता हूं, शायद आपका निर्णय कुछ और हो सकता है। मेरा मानना है कि इस सृष्टि पर केवल इंसान ही एक ऐसी शख्सियत होता है, इंसान ही एक ऐसी योनी होती है जो अपना भविष्य और अपने जीवन की दशा और दिशा को खुद तय करता है। न 84 लाख योनियों में ऐसी कोई योनी नहीं होती जो अपना खुद का भविष्य और अपने जीवन की दिशा और दशा को तय करता है। तो आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को इंसान का जन्म मिला है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। तो आज हम लोगों को तय करना होगा, आज हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग जब भी यहां से, इस पार्टी से हम लोग अलग जाएंगे, हम लोग अपने दिमाग में अपना एक लक्ष्य बनाए, अपना भविष्य तय करें। और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, उस भविष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस पूरे संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको आपके सपने से, आपके लक्ष्य से दूर कर सकती है। मात्र एक चीज है आपको सपने और आपके लक्ष्य से अगर दूर कर सकता है तो स्वयं आप हैं। स्वयं आप अपने आप को अपने लक्ष्य और सपनों से दूर कर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। तो और अत्यधिक समय न लेते हुए मैं एक बार फिर से, जो भी ये छात्र छात्रा पहली साल फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ एडमिशन लिया है, मैं मानता हूं कि हो सकता है किसी ने स्वयं इस कॉलेज को लिया हो और कुछ छात्र छात्राओं को अपने आप ये कॉलेज मिला हो। लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि भले ही आपको ये कॉलेज किसी भी तरीके से मिला हो, लेकिन ये कॉलेज आपका बन के दिखाएगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी दिक्कत है, उसको ये कॉलेज आपका हमेशा सहयोग करने का काम करेगा। इस कॉलेज का एक एक टीचर आप लोगों के साथ हमेशा चलता रहेगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर हुए हैं, इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और एक एक पार्टिसिपेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने यह पार्टिसिपेट किया, एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया। शायद प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मैंने समय दिया, प्रिंसिपल ने समय दिया, सही बात तो यह है कि आप लोगों में अंदर वो ग्रेविटी थी जो हम लोगों को यहाँ रोके रहे, और शायद ये प्रोग्राम और चलता रहेगा तो शायद हम लोग पूरी रात यहाँ बैठ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर से इस पूरे कॉलेज के सभी शिक्षक साथियों को, डायरेक्टर सर को, एचओडी सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जोरदार तालियां।